महिला सशक्तिकरण के नारे को साकार करने के लिए हमीरपुर की 21 साल की नैन्सी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और एचआरटीसी ड्राइविंग स्कूल में नैन्सी ने बस ड्राइविंग सीखकर सभी को हैरत में डाला है, जिससे एचआरटीसी विभाग भी नैन्सी की निपुणता को देखकर गदगद है। नैन्सी बखूबी से सड़कों पर बस को दौड़ाती है तो लोग देखते रह जाते हैं। नैन्सी के हौसले को देखकर सभी हैरान हैं, तो नैन्सी का सपना है कि वह वोल्वो बस को चलाए और कुछ अलग करके दिखाए। हमीरपुर बीकॉम डिग्री धारक 21 वर्षीय नैन्सी वोल्वो बस चालक बनने का सपना सजोए है। मां ने बस चलाने के लिए प्रेरित किया तो नैन्सी 2 माह का बस चालक प्रशिक्षण हासिल करने हमीरपुर एचआरटीसी डिपो में पहुंचकर प्रशिक्षण पूरा किया है। कुछ हटकर करने के जज्बे के चलते हमीरपुर की ग्राम पंचायत कश्मीर की बेटी नैन्सी ने बस चलाने का प्रशिक्षण लिया है। मेरा सपना था स्टार्टिंग से ही आर्मी में आर्मी ट्रक चलाने का, जो कि ड्राइविंग में ही आता है कि हाँ, लेकिन आर्मी में लड़कियों की वैकेंसी है नहीं, तो इसीलिए मुझे हैवी गाड़ी चलानी है। छोटी तो सभी चलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसी चलानी है जिसके लिए लोग सोचे कि नहीं, हम जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। घर में बैठे बैठे भी तो बंदा मर सकता है, तो इसमें थोड़े ना कि आगे एडवेंचर होगा तो उसी में मरना है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही सिखाने वालों की बात, तो बोलते हैं ना कि भगवान का रूप होते हैं टीचर्स, वो उनसे भी बढ़कर है कि नहीं। हम ड्राइवर की अभी भी बोलते हैं, ड्राइवर की पोस्ट अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, ये फील्ड ही अच्छी नहीं है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरी जगह यहाँ पर आकर देखें ना, तो बहुत अच्छी है। क्या है अब लेके चले, क्या बनना के जाते हैं? मुझे हैवी बस चलानी है, मीन्स वोल्वो चलानी है। नैन्सी ने बताया कि बचपन से ही ड्राइविंग का शौक रहा है और बस ड्राइविंग सीखने के लिए परिवार ने भी पूरा साथ दिया है। नैन्सी ने बताया कि कुछ अलग करने की चाहत मन में रहती है और इसी के चलते ड्राइविंग स्कूल में बस चलाना सीखा है। उन्होंने बताया कि लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि वोल्वो बस चलाने का सपना मन में है और आर्मी में लेडी ड्राइविंग के पद पर भर्ती होना चाहती हूँ। सर मेरी ग्रेजुएशन है बीकॉम, वो भी गवर्नमेंट सिद्धार्थ कॉलेज नादौन से, और मैंने ये सब ना अपनी लाइफ को ना ऐसे ही नहीं सोचा हुआ कि मुझे ये बस यही करना है, बस यहीं से मुझे गिव अप कर देना है। मुझे ये है कि मेरे पापा को प्राउड फील करवाना है और गलत कामों से नहीं करवाना है जैसे सभी करते हैं, वैसे कुछ भी नहीं करवाना है। मीन्स मेरे पापा को कभी ऐसा ना लगे कि नहीं, सारे लाइफ तो सभी जीते हैं, लेकिन मुझे लाइफ को ऐसे जीना है ना कि सब याद रखें कि नहीं, जैसे कि मैं अभी भी बाइक चलाती हूँ तो कुछ लोग मुझे अभी भी बोलते हैं आके कि नहीं उससे सीखो जाके, तो मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि सब मुझे इंस्पिरेशन मान के चलें। और लाइफ जीना, लाइफ बिताना मेरा मकसद नहीं है, लाइफ को जीना है, और उसके लिए पेरेंट्स ने तो कभी रोका ही नहीं है कि नहीं, बट उनको इतना है कि नहीं, उनको पता है कि मैं गलत नहीं करूँगी, उनको मैं सामने लेकर ही चलती हूँ। नैन्सी ने लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने पर पीछे धकेलने के लिए भी लोग काम करते हैं, लेकिन बेपरवाह होकर आगे बढ़ते रहें। लड़कियों के लिए ये कि बिताओ नहीं, बस जी लो और अपने ड्रीम को कभी भी स्किप मत करो, कभी भी नहीं, आज नहीं तो कल फैमिली प्राउड जरूर करेगी। स्टार्टिंग में तो हर कोई रोकता है, अगर एक आगे लेके जाने वाला होता है तो एक पीछे भी होता है खींचने के लिए, तो कुछ मत सोचो, बस आगे बढ़ते जाओ। नैन्सी की माता जमुना देवी ने अपनी बेटी के द्वारा बस चलाना सीखने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ड्राइविंग करना सीखना चाहती है और जिसके चलते परिवार ने नैन्सी की इच्छा पूरी की है। उन्होंने बताया कि स्वयं आकर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करवाई थी। उन्होंने कहा कि हर माता को अपनी बेटी को बेटे के समान समझना चाहिए और बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए पूरा साथ दें। ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान उसने बसों को चलाने के साथ साथ इसके कलपुर्जों के बारे में भी ज्ञान पाया है। मैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लड़की लड़की नहीं है, इसमें तो हर समय लड़कों जैसे घूम रही है, ये हमेशा लड़कों से आगे निकलना चाहती है। मम्मी लड़के नहीं, मैं भी कर सकती हूँ ये काम, क्यों ना करूं मैं भी ये काम। हमने इसको हमेशा के लिए आगे से आगे बढ़ने के लिए कहा है कि नहीं बेटा, तू लड़कों से काम नहीं है, तू हमारे लिए लड़का है ना, तू जो चाहे करना चाहती कर, हम कभी नहीं रोकते इसको। तू ड्राइविंग में जाना चाहती है, इसमें क्रेज़ बहुत ज़्यादा है ड्राइविंग का, ये ड्राइविंग करना चाहती है और अच्छी करती है, क्योंकि हमारे पास छोटी गाड़ी भी है, बाइक भी चलाती है, जो मर्जी व्हीकल दे दो इसको। अभी ये चाहती थी कि मैंने हैवी व्हीकल सीखना है, मैंने खुद एडमिशन करवाई है इसकी आके यहाँ पे,
और ये बहुत अच्छा फील करती है भी और हमें बहुत प्राउड फील करवाती है। मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को लड़कियों के लिए आगे आना चाहिए, वो आगे बढ़ें, अपने हर किसी को हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि गांव में टैलेंट कम होता है, गांव में बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे में, लेकिन लड़कियों को ना कुछ जो सेफ महसूस नहीं करती उसकी वजह से पीछे हट रही हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि महिला को अच्छी नज़र से देखो, वो माँ भी है बेटी भी है, जब वो घर चला सकती है तो क्या वो देश को या देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर सकती है? वो हर जगह आगे है, उसको प्रोत्साहित करें। मैं यही गवर्नमेंट से प्रार्थना करती हूँ कि लड़कियों के बारे में वो कुछ ऐसा करें जिससे वो आगे बढ़े। नहीं सर, मेरे को ये बात नहीं आई, मेरे गांव में तो हर यही चाहता, मेरी बेटी को तो पहले से लोग पायलट पायलट कह के बुलाते हैं कि ये पायलट है हमारा, तो मेरे गांव में तो कोई ऐसा नहीं है। मेरे को तो खुद आके घर बोल रहे हैं नहीं आपने अच्छा किया, क्योंकि इसमें ये टैलेंट बहुत ज़्यादा था, तो मेरी बेटी आगे बढ़े। गाँव वालों का भी सहयोग रहा है मेरे को कि नहीं तेरी बेटी जो करना चाहती करने दो, मेरे घर में भी कोई नहीं रोकता। हम ओल्ड फैशन वाले नहीं हैं, हम न्यू आगे से आगे बच्चों को या लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे परिवार में भी कोई नहीं है, हमारी जॉइंट फैमिली है, कभी नहीं रोकता कोई किसी को, नहीं बेटा करो आप, बहुत खुश हैं। मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा हौसला है और ये रोड को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ती है, रोड में कभी भी, क्योंकि मैं खुद इसके साथ ड्राइव करती हूँ, इसके साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी बेटी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ती है, कहीं भी पीछे हटने के लिए नहीं हूँ। नहीं मम्मी, मेरे को खुद बताती है मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे चला जाता है रोड पे, ऐसे चलो। इसने मेरे को भी खुद स्कूटी सिखाई है। एचआरटीसी हमीरपुर के प्रशिक्षक अजय कुमार ने इस बेटी को भारी वाहन चलाना सिखाया है। अजय का कहना है कि कुल 17 प्रशिक्षुओं में ये इकलौती लड़की है। उन्होंने बताया कि नैन्सी बस चलाने में पूरी निपुण हो गई है। सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंट है इसमें सीखने का और बहुत ही ग्रेट बोल सकते हैं इसको, बहुत महानता से सीखी इसने, जैसा इसको बताया जिस तरीके से बताया उस तरीके से इसने बहुत बढ़िया सीखा और आगे भी बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया सीखेगी, चलाएगी गाड़ी चलाएगी और यहाँ भी बहुत अच्छी गाड़ी चला रही है। सर ने ये फर्स्ट टाइम है जो एक लड़की नैन्सी जो है वो यहाँ ड्राइविंग सीखने, हैवी ड्राइविंग सीखने के लिए यहाँ स्कूल में आई है। ये निपुण बहुत आगे निकलेगी सर, इसके टैलेंट से ऐसा महसूस होता है कि बहुत लड़कों से भी आगे निकलेगी ये। वहीं एचआरटीसी आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने बताया कि ये जिला के लिए गर्व की बात है, नैन्सी अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनका सपना एचआरटीसी में वोल्वो बस चालक बनना है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग स्कूल के लिए लड़की को बस सिखाना चुनौती रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के जमाने में 2 महीने की ट्रेनिंग दी है जिसे नैन्सी ने बखूबी पूरा किया है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी डिपो में लड़की के हैवी व्हीकल सीखने का पहला मामला है। हाँ, हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी नैन्सी कुमारी जी की और उन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को हैवी व्हीकल जो है सीखना है, तो बिना सोचे समझे बिना कोई किंतु परंतु किए हुए हमारे लिए भी एक ये चैलेंज थी उस वक्त कि एक लड़की को सिखाया जाएगा और वो भी जिसको हमने आज तक अभी ना चलाते हुए देखा है कि छोटा वाहन कैसे चलाती है, तो उसको हैवी व्हीकल चलाना एक हमारे लिए भी चुनौती थी, उसके लिए तो थी ही थी, परंतु एक अच्छी गाइडेंस से इंस्ट्रक्टर्स के साथ मिलने से और ऊपर से महिला सशक्तिकरण का ये जमाना है उसको मद्देनजर रखते हुए तो उसको 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई एचआरटीसी हमीरपुर में हमारे ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टरों के द्वारा। और ये बेटी हमारे पास जो है 14 दिसंबर को आई थी ट्रेनिंग करने और 20 फरवरी को ट्रेनिंग ख़त्म करके जो है उसको सर्टिफिकेट दिया गया और हम अब दावे के साथ कह सकते हैं कि इस लड़की को हिमाचल के किसी भी रूट में भेजा जाए तो वहाँ पर ये हैवी व्हीकल जो है बड़ी आसानी से चला लेगी और बड़ी निपुणता से चलाएगी। और यही मैं कहूँगा यदि ये हिमाचल में चलाने में सक्षम है तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने में ये लड़की जो है सक्षम है। हाँ, ये लड़की के किसी हैवी व्हीकल सीखने का जो है ये पहला केस है और मैं चाहता हूँ और ऐसा होगा भी, मेरे को पूरा विश्वास है कि नैन्सी के निपुणता को देखते हुए और भी लड़कियां आगे आएंगी जो कि एक सिर्फ पुरुष प्रधान के लिए बना हुआ था, तो और लड़कियों को भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा इससे।
बता दें कि नैन्सी के पिता चंडीगढ़ पुलिस में तैनात हैं, जबकि माता गृहिणी है। एक भाई हर्ष बंगाना से आईटीआई कर रहा है। नैन्सी का बचपन से ही सपना रहा है कि कुछ हटकर काम करें। नैन्सी का सपना आर्मी में ट्रक चलाना चाहती थी, लेकिन आर्मी में लड़कियों की रिक्तियां नहीं होने से बस चलाने की सोची और ड्राइविंग सीखने के लिए आगे आई है।